यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। कैन यू हियर योर ओन वर्ड्स इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ परफेक्ट वैक्यूम? तो इसका आंसर तुरंत नो बोल देते हैं लोग, जबकि वर्मा सर ने आगे हिंट दी हुई है। कैन यू हियर योर फ्रेंड इन द सेम कंडीशंस, है ना? तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। कैन यू हियर योर ओन वर्ड्स इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ परफेक्ट वैक्यूम? आंसर इज यस, बट नॉट इन यूजुअल वे। जैसे अभी सुनाई दे रहा है ना मुझे खुद का साउंड, नॉट इन दैट वे, है ना? यस बट नॉट इन यूजुअल वे, है ना? तो कैसे, क्यों सुनाई देगा? क्योंकि मैं जब अपन बोलते हैं, हर एक की वोकल कॉर्ड होती है ना, वोकल कॉर्ड को समझो अपना अपना ये अरे ट्यूनिंग फॉर्क जैसा। तो अपनी हर एक इंसान की वोकल कॉर्ड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है, जिसको अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। लड़कियों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, लड़कों की कम होती है, हर एक की अपनी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? तो यार अभी एयर नहीं है तब भी मेरी वोकल कॉर्ड तो वाइब्रेट कर रही है ना, और वो मेरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में, जो वोकल ट्रैक्ट है और जो भी बहुत सारी चीज़ें उनके कॉन्टैक्ट में, तो जो मैं बोल रहा हूँ एयर नहीं है, माना कि वहाँ पे एयर नहीं है ना, ठीक है? पर वो ट्रैवल करके जाएगा ना। हाँ, पहली बात तो याद रखना, अगर तुम बताइए ये सूट पहन के नहीं गए वैक्यूम, मतलब तुम इंटरगैलेक्टिक स्पेस में मान लो ऐसे फ्लोट कर रहे हो, पहले तो तुम मर जाओगे, सबसे पहली बात है ना। तुम्हारे ईयर ड्रम्स वगैरह फट जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अगर मान लें कि वैसा कुछ नहीं हो रहा है ना, तो तुम खुद को सुन पाओगे? ऐसा साउंड जैसा अभी सुनाई देता है वैसा सुनाई नहीं देगा, बहुत धीमा सुनाई देगा। एग्जैक्टली कैसा होगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना ना, बट साउंड तुम्हारे जाएगा ना। इसको तुम समझ सकते हो जैसे तुम अपने अंदर के ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह का हल्का सा साउंड महसूस कर सकते हो जब तुम बहुत शांत होते हो ना। इंडीड मेडिटेशन से यू कैन डू दैट, राइट? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अलर्ट और प्रेजेंट हो जाते हो, और अगर कोई भी नॉइसेज वगैरह नहीं आ रहा, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जो जनरली हम इग्नोर मारते हैं ना, वो चीज़ हमको सुनाई देने लगती है ना, मतलब महसूस होने लगता है। और ठीक है, तो हाँ तुम सुन सकते हो, बट नॉट इन यूजुअल वे, बहुत हल्का आएगा। अगला क्वेश्चन है कैन यू हियर योर फ्रेंड इन द सेम कंडीशन? तो यहाँ पे अपन एजम्पशन क्या मान रहे हैं, वो खड़े नहीं है, मून के ऊपर नहीं खड़े, इंटरगैलेक्टिक स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई सॉलिड नहीं है, देयर इज नथिंग जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं, एयर भी नहीं है, सॉलिड से ट्रैवल कर सकता था, सॉलिड से भी नहीं करेगा, तो नहीं, ये दोनों नहीं कर सकते ना, अगर ये दोनों फ्लोट कर रहे हैं। आई थिंक ये क्लियर है सभी को, है ना? तो इनके आंसर लगभग हर जगह गलत दिए हुए हैं, ठीक है? अभी क्लियर है सबको, ठीक है? चलो अच्छी बात है ना।